तो आप किसे वोट दे रहे हो नौजवान, पीटीआई या फिर नून लीग? नून लीग हैं। वजह? वजह बस उन्हीं को लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हो इतनी महंगाई के बावजूद? उन्होंने लाहौर को पेरिस बना दिया। अब आप ये लाहौर पेरिस बना हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं। कौन सी सड़कें टूटी नजर आ रही हैं आप? ये वाली जीवन की मार्केट की रोड आगे लेके चले ना आप। नहीं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अभी। अच्छा। ये सारी इन्होंने डबल रोड कर देना है आप। लेकिन ये नौजवान आपसे मुत्तफिक नहीं है, क्यों भाई? तुम तो बल्ले पे देना चाहते हो शायद। बेशक। क्यों? हुकूमत ने काम किया, अब आपने देखना है इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है। पिछले चार महीने भी ज़्यादा हैं, 3 हफ्तों में पेट्रोल 150 से 250 हो गया। वेरी ट्रू। और आटा देखें कहाँ है, ऑयल देखें 650 हो गया। तो गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, घर का किराया नहीं दे सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो क्या करें? आपके सामने ऐसा। बेटा आप किसे वोट दोगे, बल्ले को या फिर शेर को? पीटीआई को। पीटीआई को, क्या खास वजह है? बस बेहतर है सबसे। बेहतर है? क्यों बेहतर लगते हैं? बस सबसे बेहतर है, वो सबको लूटता नहीं है। सबको लूटते नहीं है, इसलिए उन्हें वोट दे रही है। लें जी, इस दुकान में दुकानदार तो नून के निकले, ग्राहक जो हैं वो अलबत्ता पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और साहब खड़े हैं यहाँ पे, कैसे मिजाज है जी? शुक्र अल्लाह। वोट कैसे देंगे अपने हल्के में, पीटीआई को या नून लीग को? पहले ही पीटीआई को दिया था और अब भी पीटीआई को देंगे। उसकी खास वजह है तमाम जो बहाल रहा आप? उसकी खास वजह ये है कि पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो सब सबको पता है वो क्या करती रही हैं, उनकी वजह से अब ये हालात हुए। वोट नून को देना या बल्ले को? वोट बल्ले को। क्या वजह? वजह तो कोई भी नहीं है, वैसे बंदा ईमानदार है, बल्ले वाला बंदा ईमानदार, इसलिए से वोट देना। हाँ जी।